हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक्स की जिसका नाम है अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो अगर हम बात करें अडानी पोर्ट में, ऐसा मुझे क्या नजर आता है इसके चार्ट में कि यहाँ से शेयर एक आपको अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स देता हुआ नजर आ सकता है, उसी से रिलेटेड बातें करने वाले वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा है, एज वेल एज हमारा नेक्स्ट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन और हमारा टारगेट है कि 10,000 हमारे जो सब्सक्राइबर है विद इन दिस मंथ यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आए। ओके, अक्टूबर में दिवाली से पहले इस तरीके का हमें एक न्यूज मिले ताकि हम और अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मिलते रहे। इसे शेयर करना मत भूलिए, सपोर्ट करिए जितना हो सकता है। और यहाँ पर एक वीडियो आ चुकी है जहां पर क्रैश से रिलेटेड हमने बात करी किस तरीके से कल मार्केट भगवान भरोसे चलती हुई नजर आएगी क्योंकि सारे अमेरिकन मार्केट के सपोर्ट टूटते हुए नजर आए। पर यहाँ पर हमने एक क्लास शुरू करी है, आपने देखी है हमारी एक्यूरेसी की, किस तरीके से हम यहाँ पर स्टॉक्स बताते हैं, भागते हैं, हम बताते हैं मार्केट भागेगा, भागता है, मार्केट गिरेगा, गिरेगा, ओके, वहीं से गिरता हुआ नजर आता है। तो ये सब चीज जानने के लिए हमने ऐसी आपको चीज बताई है कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक टू एडवांस, रिसर्च एनालिसिस और क्या प्राइस बैच में सीखना है, ये ऑनलाइन वन टू वन सीखना है और बेहतर, जहां पर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो पूरा पर्सनल टाइम आपका, इसमें क्या क्या है पूरा कोर्स का कंटेंट, ओके, इसके अलावा 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल लर्निंग, स्ट्रेटेजी मार्केट में जो हम यूज करते हैं और ऑनलाइन नोट्स, ये सब चीज आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्टॉक्स दिए थे जो इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। देखिए, सनलॉक दिया था इस लेवल पे 300-400% तक के रिटर्न। इसके अलावा एक स्टॉक और बताया था, इंद्रानी बायोटेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया था ये लगभग 500-550% के रिटर्न। इसके अलावा एम क्लाउड बताया था, ये आपको मैं मल्टीबैगर रिटर्न बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने ये रिटर्न 39 रुपए बताया था, 1084% के रिटर्न। तो ये बताया और यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आए, तो किस बेसिस पे बने, यहाँ पर जो रिसर्च एनालिस्ट और टेक्निकल, ये दोनों के बेसिस पे। तो सीखने के लिए कॉन्टेक्ट करिए, ये नीचे नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, बेहतरीन यहाँ पर चीजें मिलेगी। और पर्सनल क्लासेस यहाँ पर शुरू हो रही है, लोग पर्सनल लेना पसंद कर रहे हैं ताकि उन्हें 1-to-1 स्पेशली टाइम मिले, ओके, और बहुत जल्दी कोर्स खत्म करा के 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग, लाइव ट्रेड भी करते हुए नजर आएंगे कभी कभी, तो यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अडानी पोर्ट की। अडानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, अडानी में जो सबसे बेहतरीन स्टॉक्स मुझे दो नजर आते हैं, एक अडानी विल्मा, ओके, उसके अलावा अडानी पोर्ट और अडानी पावर, ओके, पावर भी अभी आया है जस्ट बिकॉज नंबर अच्छे आए। तो यहाँ पर अडानी पोर्ट भी मेरे पास है, क्यों है ये शेयर मेरे पास और क्या ऐसा इस पर्टिकुलर शेयर में है जिस वजह से रख रखा है, तो इसके जो बिजनेस मॉडल है, ओके, कंपनी यहाँ पर जो ये काम करती हुई नजर आ रही है और बहुत सारे इसके रीजन है जिस वजह से ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में। अडानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन जो बड़े बड़े पोर्ट है वो अडानी के अंडर आते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, हम बात कर रहे हैं भारत बहुत ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एग्रेसिव हो रहा है, ओके, यहाँ पर जो ये जिस तरीके से ये चलते हुए नजर आ रहा है, इम्पोर्ट भी ऑब्वियसली बात है हर एक कंट्री में होता है और एक्सपोर्ट भी हर एक कंट्री में होता है, बट एक्सपोर्ट की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर विदाउट पोर्ट, ओके, ये कार्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब पोर्ट की बात की जा रही है, सबसे बड़े अच्छे पोर्ट यहाँ पर अडानी के अंडर में आते हैं। जब अडानी के अंडर में देखिए 13 पोर्ट्स और टर्मिनल्स आते हैं, ओके, इसके अलावा अच्छी खासी लैंड है इनके पास, ओके, वेयर हाउस इनके पास है, लॉजिस्टिक पार्क्स इनके पास है, ओके, कैपेसिटी कंपनी के पास है, सब चीज अच्छा खासा यहाँ नजर आता है। तो अडानी की आप देखोगे दूसरे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं, पीई देखो 300-400% का पीई, बट इसका पीई 35 का पीई है, ओके, ये चीज बताती है कि कंपनी लगभग रिलायबल है, विश्वास कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अडानी पोर्ट को चुना है। मैं चाहता तो आपको अडानी ग्रीन जैसे लोग बताते हैं या दूसरे स्टॉक्स में बता सकता था, बट मैं अडानी पोर्ट को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नाम से जो चीज बात की जाती है वो ठीक है, एज वेल एज जिस तरीके चार्ट बन रहे हैं ये चीज बता रही है कि यहाँ से चीजें भागती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखिए, 1,73,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ओके, अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, P35 का, इंडस्ट्री का P30 है, बट P से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ROCE 11, ROE 14, ओके, डेट कंपनी का 124% है, डेट हमेशा अडानी के पास रहता ही है, 2 की फेस वैल्यू है, ओके, कंपनी अच्छे खासे रिटर्न हाई लगा के, ओके, अभी हाई लगाया था 988 का, उसके बाद गिरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो है,
कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी बीच बीच में गिरती आ रही है, बट हम बात करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अच्छे रिटर्न हमेशा दिए है। इसके अलावा कंपनी के रिजल्ट देखिए, लगातार अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं और जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कंपनी के आने वाले टाइम में भी यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। बीच में थोड़ा बहुत हिट लग सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ न्यूज ऐसी आती हुई नजर आ रही है, ओके, जिस तरीके से इन्फ्लेशन और रिसेशन चल रहा है तो इस वजह से शायद थोड़ा बहुत हिट लगे, बट फिर दोबारा वो खड़ी होती हुई नजर आएगी और ये अपॉर्चुनिटी है, याद रखिएगा। जब भी इस तरीके के कुछ होता है तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें लेना है। नेट प्रॉफिट भी देखिए, हमेशा यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा है, दूसरे शेयरों में नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। कंपनी की ईयरली सेल्स देखिए 2000 करोड़ से सीधे 16000 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1300 करोड़ से यहाँ पर 8400 करोड़, 900 करोड़ से 4500 करोड़। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये सारी चीजें बता रही है कंपनी बेहतरीन है, कंपनी पर विश्वास किया जा सकता है। रिजर्व देखिए 37000 करोड़ के रिजर्व है, साथ में यहाँ पर बोरिंग भी ले रखी है, बट यहाँ पर देखेंगे वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 4000 करोड़ रुपए लगा रखे है। इन्वेस्टमेंट देखिए लगभग 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी की फिक्स एसेट लगातार 6000 करोड़ से यहाँ पर 56000 करोड़ की हो गई है, ये पॉजिटिव बात है। कैश की बात करें कंपनी 10500 करोड़ के आसपास का तो कैश पड़ा है, कैश है, यहाँ पर रिजर्व है, ओके, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है, तो क्यों ये शेयर हम ना चुने। प्रमोटर्स के पास एज इट इज शेयर बने हुए, बल्कि लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है, 62% से 66% कर दी है, ओके। FIs की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हुई है, 14% है। DIs की होल्डिंग बढ़ी है, 15% है। गवर्नमेंट की होल्डिंग ना के बराबर है, पब्लिक की होल्डिंग केवल और केवल 4-5% के आसपास की होल्डिंग है। इसमें भी रिटेल इन्वेस्टर थोड़े से ही होंगे, 0.65 लगा लीजिए, बाकी सारे शॉर्ट ही आदमी यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जब सब चीज अच्छी नजर आती है, और जब हम बात करें अडानी पोर्ट की, तो अडानी पोर्ट यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट दे सकता है, रिटर्न दे सकता है, अच्छे खासे पैसे यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था इसका, ओके, इस सपोर्ट को इसने बेहतरीन तरीके से होल्ड करके रखा, ओके, और यहाँ पर हम देखें कभी यहाँ पर इस लेवल पर आया ही नहीं, ओके। ऊपर की बात करें, ये इसने अभी तोड़ने की कोशिश करी, इधर तोड़ने की कोशिश करी, इधर तोड़ने की कोशिश करी, और चीजें अब दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी बार बार कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, और देखिए इस बार यहाँ पर कोशिश करी, ऊपर बनाया, इस बार दोबारा कोशिश करी, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें ऊपर जानी है, नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता, नीचे जाने का कोई सवाल उठता भी नहीं है। फिर भी मैं आपको एक यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या बन रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बटन, शोल्डर हेड शोल्डर, और ये शोल्डर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, बट ये चीजें नीचे आ गई, एक साथ ब्रेकआउट नहीं होता, फिर दोबारा चीजें भागती हुई नजर आएगी। यहाँ से अगर हम यहाँ पर टारगेट निकालते हैं तो 1100-1200 का टारगेट आते हैं, बट 1100-1200 रुपए पे चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, ओके। यहाँ पर जो टारगेट है बहुत ऊपर वाले टारगेट है, चीजें और ऊपर जाती हुई नजर आएगी और अच्छे खासे पैसे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की जरूरत है। अब आपको कुछ चीजें और यहाँ पर दिखाता हूँ, क्यों मैं आपको ये शेयर लेने के लिए यहाँ पर अभी कह रहा हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक मिनट दीजिए, देखिए यहाँ पर जो एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, ओके। और जब भी इस तरीके की कैंडल का हाई निकलता है ना, इसका जैसे ही हाई निकलेगा, ओके, अगर कल यूं तो मार्केट गिरेगी, ओके, हो सकता है यहाँ पर इसे टेस्ट करके ऊपर जाए, एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है। तो अगर इसका हाई जैसे कैंडल ग्रीन कैंडल हुई, ओके, और इसके ऊपर क्लोज हुई ना, तो यहाँ पर एक तेजी होगी जो इसे दोबारा यहाँ पर लेके जाएगी, और जिस दिन इसने यहाँ पर 987-988 का जो इसका हाई था, ओके, उसे यहाँ पर क्रॉस किया, तो याद रखिए मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखिए हायर हाइज लगते हुए मुझे साफ नजर आते हैं, चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है, बट ये राइजिंग वेव बन रहा है, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर कॉशियस भी रहना है, क्योंकि जब भी इस तरीके के राइजिंग वेव बनता है तो चांसेस होते हैं कुछ टाइम बाद चीजें नीचे आने की, बट हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या किस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके। तो राइजिंग वेव पैटर्न बन रहा है, एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे आपको किस तरीके से हमें यहाँ पर पता चले यहाँ पर शेयर गिरेगा, ओके। इसे जानने के लिए यहाँ पर ये कोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। देखिए ये एक कैंडल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, इसका लो टूटा, चीजें नीचे, ओके। यहाँ पर इस तरीके की कैंडल बन रही है, यहाँ पर देखिए हैमर बना, पैसा। तो इस तरीके की चीजें सीखने के लिए कि कैसे यहाँ पर स्विंग ट्रेड ले और अच्छा खासा पैसा हम कमाए, ये सीखने के लिए यहाँ पर ये क्लास में सिखाया जाएगा, ओके। यू ऑल आर वेलकम, कॉन्टेक्ट करिए, कोर्स के बारे में जानिए, ये जो 6 कोर्स है
ओके ये लगभग 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो टेक्निकल का कोर्स है ये कम से कम 2 हफ्ते यहाँ पर हम लेंगे, और सब कुछ यहाँ पर चार्ट के साथ आपको बताएंगे तसल्ली से क्यों शेयर गिरा, क्यों शेयर भागा और यहाँ पैसा बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है। थैंक यू।